दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट से एक बेहद सुकून भरी खबर सामने आई है, वो खबर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारने का काम किया है सुरेश चौहान के ऊपर। सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ट्रीजर लॉन्च किया था अपने कार्यक्रम बिंदास बोल का, और इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने यूपीएससी जिहाद की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है और सोचिए कि जामिया के जिहादी आपके जिला कलेक्टर बनेंगे तो फिर क्या हाल होगा। इस तरह की बात जो है सुरेश चौहान के ने अपने उस ट्रीजर में कहा था। उन्होंने कहा था कि 28 अगस्त से रोजाना वो 8 बजे इसी तरह का प्रोग्राम लेकर आएंगे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को सलाम करना चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट के जज नवीन चावला को सलाम करना चाहिए। उन्होंने तुरंत इस पर सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है सुरेश चौहान के इस प्रोग्राम के ऊपर। और अब बिंदास बोल का जो ये नाम से जो प्रोग्राम था सुरेश चौहान के का, वो प्रोग्राम अब प्रसारित नहीं किया जाएगा। पूरा फैसला आपको पढ़ करके सुनाएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और उसके बाद में सुरेश चौहान के की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको फैसला पढ़ करके बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम के प्रसारण के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी अब यह कार्यक्रम जो है वो जारी नहीं हो सकेगा। इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने जज साहब नवीन चावला ने तुरंत सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि उन्हें सुदर्शन न्यूज पर 28 अगस्त को रात 8 बजे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम के बारे में कई शिकायतें मिली है और मंत्रालय ने न्यूज चैनल को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। देश भर से लाखों लोगों ने और हजारों आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने इस पर जो है वो शिकायत की थी और उसी शिकायत को जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में आज रखा गया और जिसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 7 दिसंबर तक कार्यक्रम बिंदास बोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर जो है इस पर रोक लगा दी है और अब इसकी सुनवाई जो है वो 7 सितंबर को जो है वो अगली सुनवाई होनी है। तब तक इस कार्यक्रम पर रोक लगी रहेगी। बड़ा फैसला है दिल्ली हाईकोर्ट का। अब आपको बताते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने किन किन धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराया था और किन किन धाराओं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब नवीन चावला ने अपना इस पर फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने पत्रकार सुरेश चौहान के शो का ट्रेलर देखा है और यह आरोप लगाया है कि चौहान के जामिया मिलिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और मानहानि की है। कथित तौर पर शो में दावा किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की सफलता मुसलमानों द्वारा सिविल सेवा में घुसपैठ की साजिश का प्रतिनिधित्व करती है। यानी साफ तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने कहा है कि उनके पास में सुरेश चौहान के पास में कोई प्रूफ नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना यह शो बनाया और शो में जो है वो जामिया मिलिया के इस्लामिया के जो छात्र हैं उनकी जो है वो छवि खराब करने की कोशिश की है और पूरे देश के मुसलमान समुदाय के लोगों की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चौहान के ने खुल करके गैर मुस्लिम दर्शकों को उकसाया है, यानी कि जो गैर मुस्लिम दर्शक है यानी कि हिंदू दर्शक है उनको उकसाने का काम किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जिहादी या आतंकी जल्द ही कलेक्टर और सेक्रेटरी जैसे शक्तिशाली पदों पर आसीन होंगे। ये लाइनें जो है सुरेश चौहान के ने अपने उस ट्रीजर में इस्तेमाल की थी। यह भी कहा गया कि ट्रेलर के साथ में प्रस्तावित प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है जिसे केबल नेटवर्क नियम 1994 के साथ पढ़ा जाता है। प्रस्तावित प्रसारण और ट्रेलर में अभद्र भाषा और आपराधिक मानहानि भी होती है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A(1), 153B(1) और 295A और 499 के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत जो है वो याचिका दाखिल की गई थी और उसी याचिका पर जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रों के इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब नवीन चावला ने रोक लगा दी है और अब ये रोक जो है वो 7 सितंबर तक ये रोक जो है वो लागू रहेगी। 7 सितंबर तक सुरेश चौहान के जो है वो अपना ये शो प्रसारित नहीं कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि सुरेश चौहान के झूठ का पुलिंदा, नफरतों का पुलिंदा और जहर घोलने वाला इंसान सुरेश चौहान के
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में क्या कह रहा है, वो किस तरह से खुलेआम झूठ बोल रहा है और एक तरह से कोर्ट की भी जो है वो अवमानना कर रहा है, अब आपको बताते हैं। सुरेश चौहानके ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है, आज रात 8 बजे शो होगा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाने की पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नोटिस आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, इसलिए आप लोग 8 बजे शो देखें, अगर नोटिस आती है तो उसे पढ़कर 8 बजे हम अपना पक्ष बताएंगे, डाउनलोड करिए ऐप उनका। ये कह रहे हैं सुरेश चौहानके। सुरेश चौहानके किस तरह से झूठ का पुलिंदा, किस तरह से नफरतबाज और किस तरह से जहरीला इंसान है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी खुलेआम झूठ बोल रहा है, खुलेआम कह रहा है कि कोर्ट की तरफ से उनको कोई कॉपी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीआरपी प्राप्त करने का, समाज में झूठ फैलाने का एक प्रोपेगेंडा है। अभी तक शायद उनके पास में कॉपी नहीं पहुंची होगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट के जरिए अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो फैलाया जाएगा कि किस तरह से कोर्ट ने तो स्टे लगाई नहीं है। ये सुरेश चौहान के साहब ने ट्वीट किया है, उनके अंधभक्त जो है वो इस ट्वीट को ही जो है वो अटल सत्य मान लेंगे और इसी को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि कोर्ट ने कहा है कि 7 सितंबर तक आप इस पर कोई प्रसारण नहीं कर सकते हैं और 7 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन किस तरह से यह आदमी जो है, यह शख्स जो है वो अभी भी झूठ बोल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को अवमानना का जो है संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ जो है एक और जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद में भी ये व्यक्ति जो है वो फर्जी ट्वीट कर रहा है, झूठा ट्वीट कर रहा है, किस तरह से कोर्ट के फैसले की जो है वो अवमानना कर रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर अब अलग से एक और मुकदमा चलाया जाना चाहिए, हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना का मुकदमा इस पर चलाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक कार्यक्रम के ऊपर जो है वो रोक लगाई गई है, इसके चैनल के ऊपर जो है वो कब रोक लगाई जाएगी, और जिस तरह से इसके ऊपर पहले से भी अपराध के मुकदमे दर्ज है, बलात्कार के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, दंगा भड़काने के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, और किस तरह से गाहे बगाहे जो है ये खुलेआम मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में एक खाई जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है, खाई पैदा करने का एक काम कर रहा है, इसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ और इसके चैनल के खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी देश भर के लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसीलिए जो है इसके खिलाफ जो है केवल एक प्रसारण, एक इसका कार्यक्रम जो है वो रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके कार्यक्रम के, इसके पूरे चैनल के ऊपर और इसके ऊपर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या वाकई सुरेश चौहानके का चैनल जो है वो अभी भी चलाने की उसको अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसको जेल नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।